सभी भाइयों को पंडित डेयरी फार्म की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद। तो स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको फीड फॉर उनवा बताने वाले हैं कि क्या घेरें, कितना घेरें, कैसा घेरें। तो फीड जो आप घेरते हैं अपने पशुओं को, तो पशु के हिसाब से अलग होती है। प्रेग्नेंट पशु को अलग घेरना चाहिए और जो दूध वाला है उसको अलग। तो ये डिपेंड नहीं करता कि इतना घेरे हैं, ऐसा घेरे हैं, इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो फिलहाल अभी हम घेर रहे हैं यह कॉटन सीड। इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ जाती है 1200 रुपये से लेके 1400 रुपये अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। ये काफ़ी सही है, इससे दूध की फैट भी बढ़ती है और थोड़ा डंगर में थोड़ा चमक भी आता है कैटल में। उसके बाद यह चने का छिलका, इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ जाती है, ये जो आता है ये 50 किलो के पैकिंग में आता है, 4950 की पैकिंग में। उसके बाद इसकी कीमत पड़ जाती है आपको 400, 450 तक। ये 20 kg की पैकिंग में आता है। ये जो छोले होते हैं चने, उनकी बाहर की कोटिंग होती है। इससे भी अगर आपको अपने डंगर को थोड़ा हेल्दी दिखाना है, इससे मतलब हेल्दी हो जाते हैं पशु। उसके बाद आता है यह इसको यहाँ पे खंडा बोलते हैं, चने की टुकड़ी होती है, ये देख सकते हैं आप। इसकी कॉस्टिंग भी ऐसे पड़ जाती है 1200 रुपये, 1300 रुपये। ये भी काफ़ी अच्छी रहती है फैट के लिए भी, दूध के लिए भी। अगर आपको अच्छा दूध निकालना है और लंबे समय तक निकालना है, तो उसके लिए कॉटन सीड बनोला बहुत अच्छा रहता है। ये यूजुअली हरियाणा में यही खिलाए जाते हैं, बिनोले की खल। और कई लोग तो इसमें से ऑयल निकल चुका है, अब कई लोग तो सूखे बिनोले भी खिलाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये तीन चीज़ घेर सकते हैं आप। उसके बाद ये चोकर, ये गेहूं का चोकर है, ये ऊपर की कोटिंग है सिर्फ, अंदर का नहीं है। तो अगर आप थोड़ा और अच्छा खिलाना चाहते हो तो इसका आटा भी खिला सकते हो, वीट का और राइस का भी आजकल लोग खिलाने लगे हैं, पर राइस का बिल्कुल बारीक करके तब खिलाना सही रहता है। कॉर्न का भी इनका खिला सकते हैं। बाकी ये चीज़ें हैं, और लोग कुछ ज़्यादा भी खिला देते हैं, कुछ कम भी खिला देते हैं, वो पशु के ऊपर होता है। अगर आप एक एग्जांपल लेके चलो, एक गिलास पानी है, उसमें आप एक चम्मच चीनी घोलोगे वो घुल जाएगी, दो चम्मच घोलोगे वो भी घुल जाएगी, तीन चम्मच भी घुल ही जाएगी। उसके बाद जब चौथा चम्मच आप घोलोगे तो घुलेगी नहीं, चीनी उसमें ही रह जाएगी। तो वैसे ही पशु का शरीर होता है, जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से खिलाना पड़ता है। तो कोई इसका ये नहीं है कि 4 किलो खिलाना है, 5 किलो खिलाना है, 6 किलो खिलाना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और अगर आपको अपने फार्म का मैनेजमेंट सब सही करना है, तो उसमें एक चीज़ फीड भी है। फीड, उसके बाद आती है लेबर, और उसके बाद आती है आपकी ब्रीड। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी वीडियो आपको और आप और चाहते हो, या इसी वीडियो को आप डिटेल में चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक और शेयर कर दो। और अगर आप पशु खरीदना चाहते हैं अच्छे मुर्रा ब्रीड HF साहिवाल, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो माल वो हर जगह जाता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह जाता है, विद ट्रांसपोर्टेशन, लेबर परमिट, हर चीज़ के साथ। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी कर दो। थैंक यू।